कहते भगवान बाबंती बारह तो बच गए, क्या करें? तो कहते अभी आप तो खाना खाएंगे नहीं, है ना, खुद ही बोल दिया। होते हैं कैसे उपासक होते हैं, आप नागपुर में कैसे उपासक मिलेंगे जिनके से अट्टी छोटी है कि पात्र में खाना चाहिए, जिसके से अट्टी होती है कि बारह के पहले ही खाना चाहिए। एक बार एक उपासिका के पास में गया था तो उसने मुझे साफ साफ बोल दी थी, बड़ी गरीब उपासिका थी, शास्त्र से मुझे बोली थी उसने कि बोले मुझे बारह के बाद भिक्षु को भोजन अच्छा नहीं लगता। तो कुछ होते ऐसे बहुत, अब उनको शिक्षा अभी वही भगवान शिक्षा को समझे पर अपने हिसाब से समझे, पर भगवान ने समय से ज़्यादा मात्रा पे महत्व दिया समय से। तो जब इंसान कहते हैं कि भगवान बोलते बारह तो बज गए, तो कहते हैं कि हम जब खाना खाएंगे तब बारह बजेंगे। भजनतानंद कौशल्य, इसलिए भजनतानंद कौशल्य को बाबा साहेब बहुत पसंद करते थे। बाबा साहेब और भजनतानंद कौशल्य के से बहुत प्यारे प्यारे किस्से साथ में है ना, और इसलिए उनका बहुत योगदान रहा भारतीय संस्कृति में। जब बाबा साहेब के शरीर को जलाने वाले थे तो इतनी सारी जिन जनता की दीक्षा बची थी, जनता ने कहा रुको हम तब तक शरीर जलाने नहीं देंगे जब तक कि हम बच्चे लोगों को दीक्षा नहीं मिलती। भजनतानंद कौशल्य को बुलाया गया, फिर उन्होंने दीक्षा दी, फिर जाके उन्हें शरीर को जला दी, जलाने दिया गया बाबा साहब। तो बहुत ऐसा तो ऐसा है, तो भगवान समय पे नहीं मात्रा में बल देते थे कि कितनी मात्रा खा रहे आप, समय पे खा रहे पर ये सोचे खा रहे भाई लोकल ओवर खाऊंगी मराठी खा लेके बेहतर नहीं है, मात्रा जान के नहीं खा रहा खाए तो सब गोपाल उपस्थित हो गया। अगर भगवान भी उपस्थित बताते तो तीन प्रकार के बताते हैं, है ना, गोपाल उपस्थित, निगंत उपस्थित और आर्य उपस्थित। तो जो इस प्रकार से जान खाते हैं मंग कहीं खा ले बैठे लेकिन बेटा था खाऊंगे तो फिर उसने भी भाई 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 मतलब सुधे मंग तेलो का पापा उड़न नहीं तर पहले खाऊंग देता हूँ, तो उसकी भी अलग से इंटेंशन। फिर उसमें भी भाई मतलब है ना बैठला ये को ना खा ला मुझे रखा तुम रसा करता है ना कुछ। तो देखो खाने पर ध्यान है तो कहाँ संयम, उपोषण या शील का जो सबसे पहला कृत्य होता है संयम का। आप अगर पांचों के पांचों शील या आठों के आठों शील उठा के देखेंगे तो वहां पे वेरमनी 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 क्या है, वेरमनी मतलब विरति दूर रहने का भाव। तो किससे वेरमनी, जिसमें मन रमे ना वह वेरमनी, वेरमनी जिसमें आपका मन रमे ना, अगर आपका मन रम रहा है तो भय गए, आपका मन रम रहा है तो आसक्ति उत्पन्न हो रही है, आसक्ति ही तो छोड़ना है। भगवान का धर्म क्या सिखा रहा है आपको, आसक्ति छोड़ना सिखा रहा है, जिस चीज की आसक्ति है उससे वेरमनी की आपको आवश्यकता है। वे रमनी ये दो शब्द से बना है, वो और रमन, तो अपने मन को रमाना नहीं है किसी भी आरम्भन में, किसी भी चीजों में, किसी भी अपने मन को बहन देना है। तो किसी का उपस्थित होता है भाई सैंगल खाली बैठकर नहीं आऊंगे, चाहे पनीर वाला बनाओ छान मस्ता बनाओ फोड़ खाऊंगे तो सैंगल समझाना। यहाँ भी अगर बड़ा प्यार करें रिश्ते खाने में और किसी का मन आया होगा भाई मेरे बैठ लास्ते पालन क्या करना था, पालन क्या हो रहा है, इधर मन को बचाना था, इधर मन को संयम करना था, इधर मन को बहते जा रहा है कि शाम के दर्शन भगवान का मार्ग मध्यम मार्ग का है पर भविष्य के सोचो से परेशान हो रहा है साबुदाना अनूठो सायंकाली। फिर बच्चे को बोलते हैं जूस ला के रख, नहीं मिला तो व्याकुल, तेरे को समझाया तो तेरे को बोला सुनता ही नहीं, तेरे को अपनी लगी रहती है उस पर बौखला देते हैं उस पर खोल देते हैं। अरे भगवान ने मात्रा पे बल दिया, मात्रा क्या होनी चाहिए आपको पता होनी चाहिए कि आपकी कितनी मात्रा है, लोगों को मात्रा नहीं पता और इसलिए संयम हो रही है, कितना बोलना चाहिए तो पता नहीं, फिर बच्चा बोल जाता है कामा चाहे बोला सा हो जाए। हर चीज की मात्रा होनी चाहिए, अर्थज्ञ होना चाहिए, कालज्ञ होना चाहिए, और ये शुरुआत कहाँ से होती है, आहार से शुरुआत करती है, ये पैसिव वे है सौवर करने का, यहाँ से शुरू होता है आहार से। लेकिन लोग समय किससे पर क्योंकि समय दिखता है ना, माता दिखती है, लोग कले करते भाई भाई कहा कि पालन करते बारह साठस खाते तीसी लोग ऐसा नहीं रहते माता इम्पोर्टेंट होती है। तो वो राजा मीना अंडर पूछते हैं कि एक भगवान कहते हैं कि भिक्षु भोजन पे क्या रखो संयम रखो, और दूसरी तरफ भगवान ऐसा भी कहते हैं भिक्षु कभी कभार मैं पात्र भर भर के खाता हूँ। एक तो पहली बात सही होगी, नहीं तो एक तरफ कहते हैं भगवान ही क्या करो भाजे भोजन का संयम रखो संयम रख के खाओ, और एक तरफ और कभी कभार मैं पात्र भर भर के खाता हूँ, ये कैसा हो सकता। तब भंते कहते हैं कि महाराज राजन आपसे पूछता हूँ, जैसा आपको ठीक लगे वैसा उत्तर दीजिए। राजन इस वजह आपको दवाइयाँ खानी है, क्या करना है आपको
दवाइयाँ खाने, तो डॉक्टर ने आपको कोई परहेज दिया होगा और आप बोलेंगे मैं परहेज नहीं करूँगा दवाइयाँ खाऊंगा, तो दवाइयाँ लगने से रही क्या? बिल्कुल नहीं। जिस किसी चाहते कि दवाइयों का असर हो उसको परहेज की क्या होती है? अति आवश्यकता होती है। उसी प्रकार जिस किसी को अपने जीवन में कहीं पहुंचना होगा, जिस किसी का कोई उद्देश्य होगा कि मुझे ये चीज़ें प्राप्त करनी है, उसको संयम आवश्यक है, इसको निर्वाण प्राप्त करना होगा। आप पूछिए जो IAS अफसर की तैयारी कर रहा होगा, जो UPSC एग्जाम की तैयारी कर रहा होगा, जिसको किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना होगा, उसको कितना संयम रखना पड़ता है। वो रात को पेट भर के नहीं खाता होगा, डर है कि मुझे नींद ना आ जाए, नींद आ गई तो रात को पढ़ाई नहीं होंगी, सुबह जल्दी उठता होगा, कोई दोस्त बुलाने के लिए आता होगा तो जाता नहीं होगा, सही है। भगवान कह रहे हैं, भगवान उनके लिए कह रहे कि जिस किसी को अपने जीवन में कुछ प्राप्त करना होगा उसको संयम की आवश्यकता है, और संयम की शुरुआत कहाँ से होती है? भोजन। और कहते हैं कि महाराज आज इस विश्व में जितने भी अकुशल कर्म हो रहे हैं वो सारे के सारे किसके कारण हो रहे हैं? भूख के कारण हो रहे हैं। किसी को पैसों की भूख है, किसी को वासना की भूख है, किसी को घर की भूख है, किसी को प्यार की भूख है, किसी ना किसी को भूख है, और उसके भूख के अनुसार वो अपने क्या कर रहा है? हथकंडे अपना रहा है। दुनिया के सारे कुशल कर्म क्या हो, किसी को सत्ता की भूख है, किसी को ताकत की भूख है, ये सारे भूख का संयम ना होने के कारण क्या हो रहा है? अपनी मात्रा ना जानने कारण सारे के सारे विश्व में जितने भी अकुशल कर्म होंगे ये सारे किसके कारण हो रही है? भूख पे संयम ना होने के कारण हो रही है। इसलिए भूख पे संयम होना आवश्यक है, और भूख पे संयम तब आती है जब व्यक्ति अपनी मात्रा जानता है। और भगवान ने प्राप्त कर लिया है निर्वाण, अभी उन्हें कुछ प्राप्त करने के लिए शेष नहीं रहा, इसलिए उनके लिए वो नियम लागू नहीं। तो इसलिए जब भी कभी आहार स्वीकार कर रहे हैं पहले आहार जाने, बड़ा दही बड़े हैं तो भिड़ गए, शादी में तो दो रोटी ज्यादा खा लेता है, भोजन अच्छा लगा और अच्छा लग के दो रोटी का ज्यादा जा रहे तो जान लो कि आपका आहार पे संयम नहीं है। आप इस संयम जो शील जिसके लिए पालन कर रहे वो शील पालन नहीं हो रहा है, इसलिए आहार पे क्या रखे अपना संयम रखे। इसलिए धम्मपद की 6वीं गाथा में ही आहार पे है, इसलिए आहार बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, पर आहार समय के अनुसार नहीं, आहार मात्रा के हिसाब से जान खाना चाहिए, अपने शरीर को जान के खाना चाहिए कि मुझे किस आहार की। जो अपने पेट के आहार को जान सकता है समय आने पर अपने मन के भी आहार को जान सकता है। पेट तो मोटे तौर पर देखता है ना, मैक्रो लेवल पर है, माइंड माइक्रो लेवल पर, जर्नी मैक्रो से माइक्रो पर जाती है, माइक्रो से मैक्रो पर नहीं। सती पठान भी करोगे तो कायानुपश्यना, वेदानुपश्यना, चित्तानुपश्यना और धर्मानुपश्यना, बड़े से छोटे छोटे पे आता है। अगर सती विपश्यना के लिए भी गए होंगे तो गुरुजी पहले इतना भाग देते हैं, फिर भाग को और छोटा 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 करते करते आते हैं, फिर छोटा आने पर फिर तुम विपश्यना सिखाते हो। तो उसी प्रकार संयम की भी शुरुआत पहले भोजन शुरू होती है, पहले कौन सा आहार देखना पड़ता है? शरीर का आहार, फिर शरीर के आहार के बाद कौन सा आहार देखना पड़ता है? मन का। तो इस प्रकार का एक क्रम होता है, भगवान की शिक्षा क्रमिक है, इस प्रकार जानिए, इतना आज के लिए काफ़ी है। साधु।